नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का ऐलान हो गया है। जी हां, भारत ने 11 खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है जो सिडनी टेस्ट मैच में खेलेंगे। दो बड़े बदलाव हुए हैं। रोहित शर्मा आए हैं और मयंक अग्रवाल की छुट्टी हुई है, जबकि उमेश यादव की जगह नवदीप सैनी को मौका मिला है। नवदीप सैनी सिडनी टेस्ट मैच में डेब्यू करेंगे। हालांकि हर किसी को उम्मीद थी कि नटराजन को मौका मिलेगा, क्योंकि कयास लगाए जा रहे थे। साथ ही सिडनी में नटराजन ने वनडे और टी20 सीरीज में बढ़िया गेंदबाजी की थी, पर टीम मैनेजमेंट ने नवदीप सैनी को टेस्ट मैच के लिए चुना। हालांकि सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नवदीप सैनी ही क्यों। इसके पीछे सबसे ठोस वजह यह है कि भारत ने जब इस सीरीज में सिडनी में लिमिटेड ओवर का एक मुकाबला खेला था तो वहां की पिच पूरी तरह से सपाट थी। सपाट पिचों पर वो गेंदबाज ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं जिनके पास गति है, और सैनी में ये खूबी है। वहीं पूर्व भारतीय गेंदबाज आशीष नेहरा ने भी कहा था कि सिडनी की पिच पर सैनी अपनी तेज रफ्तार की वजह से भारत के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। वहीं नवदीप सैनी में बाउंसर फेंकने की काबिलियत है, और नेहरा के मुताबिक वो टी नटराजन और शार्दुल ठाकुर के मुताबिक ज्यादा बेहतर बाउंसर फेंक सकते हैं, और टीम मैनेजमेंट ने उनके ऐसी क्वालिटी को देखते हुए नवदीप सैनी को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। नेहरा ने यह भी कहा था कि मौजूदा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज शॉर्ट पिच गेंदों का सामना करने में सहज नहीं है, जैसा कि पहले रिकी पोंटिंग या फिर मैथ्यू हेडन थे। ऐसे में सैनी इन बल्लेबाजों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। बता दें, सैनी के पास बेहतरीन बाउंसर डालने की काबिलियत है। 7 जनवरी से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।